है आपका स्थिर वैद्युतकी के इस नेक्स्ट लेक्चर में स्वागत है आपका, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक कैसे निकाला जाता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति को हम कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, वैद्युत द्विध्रुव की विस्वती तल पर या वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देख लेते हैं, ये सामने आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, बात कर लेते हैं। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने जाना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है या वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर आज हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में या विस्वती तल पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये ए बी आपका वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस आवेश तथा बिंदु पी पर प्लस आवेश वितरित दिया गया है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, ए से ओ तक की दूरी एल है और बी से ओ तक की दूरी एल है, अर्थात द्विध्रुव की संपूर्ण लंबाई 2L है। अब हमें ज्ञात करना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में, तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु ओ से एक लंबवत, यहाँ पर मानते हैं कि कोई पॉइंट पी है जो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो हमारा तल होगा वाई डैश, ये कहलाएगा विस्वती तल। ठीक है दोस्तों, ये विस्वती तल कहलाता है। ठीक है, विस्वती तल की परिभाषा, विस्वती तल की परिभाषा क्या होती है जान लेते हैं। देखिए विस्वती तल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल पॉइंट से गुजरने वाला, किसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य से गुजरने वाला जो तल होता है वो लंबवत, मध्य से गुजरने वाला लंबवत तल, उस द्विध्रुव का विस्वतीय तल कहलाता है। ठीक है, फिर से हाईलाइट कर लेते हैं, किसी द्विध्रुव के मध्य लंबवत गुजरने वाला तल उस द्विध्रुव का विस्वतीय तल कहलाता है। ओके, तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये बिंदु P जो है ये इस द्विध्रुव के विस्वतीय तल में या निरक्षीय स्थिति में है। ठीक है, तो यहां से O तक की दूरी को मापेंगे और B से O तक की दूरी को मापेंगे। तो देखिए क्या ये P है, ये O है, ये A है, त्रिभुज AOP ले लेते हैं, यहां पर त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कर्ण होगा आपका AP, लंब होगा आर स्क्वायर और आधार है ये एल स्क्वायर, तो AP बराबर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भुजा आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ये आर हमारा त्रिभुज AOP में शामिल है और BOP में भी शामिल है, तो BOP में भी जब निकालेंगे त्रिभुज BOP में तो उसमें भी BP की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही निकलेगी। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी, तो देखिए पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसी होगी। देखिए बिंदु B से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, चूंकि बिंदु B पर प्लस आवेश है इसलिए बिंदु B से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्लस पॉइंट्स दिया गया है और प्लस पॉइंट से सदैव वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर रहता है। ठीक है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, माइनस पॉइंट में सदैव वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर रहता है, तो माइनस पॉइंट्स है इसलिए इसकी दिशा इस तरफ होगी ऐसे, और ये प्लस का पॉइंट्स है, इस बी से पी की जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब ये आपका बन जाएगा इस प्रकार से, ध्यान देते हैं यहां पर। अब हमें इसे एक सदिश के रूप में यदि हम देखें, इलेवेंथ की क्लास में पढ़ाया जाता है, यदि हम किसी भी फलन का सदिश करें, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक पी वेक्टर है, ये थीटा अंश के कोण पर कार्यरत है, तो यदि हम इसका सदिश निकालते हैं, यदि हम बिंदु पी को उसके घटकों में वियोजित करते हैं, ठीक है, तो इसके घटक जो एक्स के सापेक्ष बनेंगे वो बनेंगे एक्स कॉस थीटा, और जो वाई के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष जो घटक बनेंगे वो बनेंगे पी कॉस थीटा, और वाई के सापेक्ष जो घटक बनेंगे वो बनेंगे पी साइन थीटा, यानी आधार के साथ जो घटक तैयार होगा वो कॉस थीटा में होगा और जो लंबवत घटक तैयार होगा लंब के रूप में वो साइन थीटा, तो ये आपके बन जाएंगे, ये दोनों घटक जो बनेंगे आपके ये यहां पर बनेंगे ई प्लस कॉस थीटा
और इधर बनेंगे e माइनस cos थीटा, ठीक है। ये जो द्विध्रुव है ये अपने पी पॉइंट से थीटा इंच के कोण पर झुका हुआ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। अब ये इसी डिफिनेशन को हमको यहां पर क्लियर करना है, क्या लिखेंगे हमारे साथ साथ लिखेंगे। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वायतुत क्षेत्र की गणना करेंगे। देखेंगे प्लस Q तथा माइनस Q से बिंदु P की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पी को घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, ये दोनों जो आपके हैं ये ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा और माइनस ई कॉस थीटा ये क्षैतिज घटक होंगे, और यदि इसका हम ऊर्ध्वाधर घटक इस थीटा के सापेक्ष लेंगे यहां पर तो ये बनेगा ई साइन थीटा, एक प्लस में बनेगा और एक इधर बनेगा इसके कारण माइनस ई साइन थीटा, ठीक है। तब बिंदु P को घटकों में वियोजित करने के बाद कुछ इस प्रकार पाएंगे। देखिए बिंदु P को घटकों में वियोजित करने पर यहां पर लिखेंगे, यहां E प्लस Q तथा E माइनस Q के घटक E प्लस cos थीटा E माइनस cos थीटा एक ही दिशा में है, ठीक है। E प्लस cos थीटा भी इसी दिशा में है और E माइनस cos थीटा भी इसी दिशा में, ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे, परंतु इनके विपरीत घटक कौन से, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, यहां वाले विपरीत घटक ई प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने से घट जाएंगे। ये ई माइनस साइन थीटा एक इधर है, ठीक है, एक इधर आपका दिया गया है घटक और एक इधर है, इसलिए एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये आपस में घट जाएंगे। तब बिंदु P पर नेट लिखेंगे, बिंदु P पर जो आपका नेट क्षेत्र होगा वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, देखिए जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा क्या, E इक्वल टू E प्लस cos थीटा और प्लस E माइनस cos थीटा, यही दोनों जुड़ेंगे केवल। तो E इक्वल टू E प्लस की वैल्यू क्या है, E प्लस की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये E cos थीटा इंटू cos थीटा, प्लस E माइनस की वैल्यू भी यही है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। देखिए दो बार बात लिखिए तो इसको दो बार लिख देंगे, कैसे, E इक्वल टू टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ऐसे। अब यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो इसका आधार होगा एल और कर्ण होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा की जगह भी ये वैल्यू करेंगे। E नेक्स्ट लाइन इक्वल टू 2q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट 2q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट 2qL, पास पास लिख देंगे अपॉन, ये एक बार है ये आधा बार है, तो इसे हम लिखेंगे आपस में मिलाकर के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका बनेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, इसकी वैल्यू होगी 2qL की होगी P अपॉन J, देखिए बनेगा यहां पर आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्यों, क्योंकि यहां पर R इज ग्रेटर देन L, R का मान L की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए यहां पर L को नगण्य माना जाएगा, जैसे हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति यानी पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे दो दो कैंसिल होंगे तो ये बचेगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट
इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ये होगा इसका वैद्युत द्विध्रुव की विस्वती तल में वैद्युत क्षेत्र का। क्या दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आए पर प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। उनसे कह सकते हैं कि आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करके हमसे पा सकते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स को एक आसान तरीके से पढ़ने का एक अच्छा और सुंदर चांस। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।